नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लैस्टीज को। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा नाम से मोर्चा तो खोल दिया है, 5 प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए हैं और यह दावा किया है कि आने वाले समय में महागठबंधन के प्रत्याशियों को वो कई टक्कर देंगे। अब इस मुद्दे को लेकर जब आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे से पत्रकारों ने सवाल किया है तो देखिएगा किस तरीके से वो बच रहे हैं और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि देखते हैं आगे बात को रखा जाएगा। और सुनिए रामचंद्र पूर्वे क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग देखेंगे क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। एक 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 बात पूर्वे जी ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने अनुशासनहीनता की है क्या कार्रवाई करेगी। अरे आपने संज्ञान में लाया और हम देखेंगे क्या बात है, कैसी बात है, उसके बाद ही ना आप बात करेंगे। आप बात करेंगे है, हम बात करेंगे, बात करेंगे और प्रताप जी से भी हम बात करेंगे। श्रीमती आप क्या, आप क्या उनको शो कॉज नोटिस देंगे? अरे पहले हम बात करेंगे, शो कॉज बात करेंगे, बात करेंगे, हम बात करेंगे, हम तेज प्रताप जी से भी बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे, मैडम राबड़ी देवी से भी बात करेंगे, शो कॉज नोटिस देंगे हम। पहले बात करने के बाद ही ना कुछ होगा, बात कीजिएगा, आज ही बात करेंगे हम। आपने सुन लिया किस तरीके से बातों को मुखर होकर उन्होंने रखा है और ये कहा है कि आने वाले समय में बातें होंगी। क्या बातें होंगी या कार्रवाई होगी तेज प्रताप यादव पर, क्योंकि अभी राजद में ऑल इज़ वेल की स्थिति नहीं है। राजद दो फाड़ में बढ़ चुकी है ये मानने से राजद के सभी नेता इनकार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार पत्रकारों के सामने नहीं आ रहे हैं, ये बताया गया था कि आज तेजस्वी यादव प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आने वाले समय में यदि तेजस्वी यादव या पार्टी कुछ तेज प्रताप यादव पर एक्शन लेती है उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।